नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवशंकर। मनो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त फिरोजाबाद से हमारे विशेष संवाददाता देवाशीष शर्मा हमारे साथ मनो कार्यक्रम में मौजूद हैं। वो जानकारी देंगे कि फिरोजाबाद सीट से लेकर किस तरीके से वहां पर मतदान केंद्रों पर क्या स्थिति बनी हुई है। पल पल की खबरों के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता हमारे देवाशीष शर्मा फिरोजाबाद की किरोड जसराना विधानसभा में, जो की एक गाँव है, वहाँ पर लोगों ने चुनाव को लेकर बहिष्कार किया है। हमारे संवाददाता देवाशीष शर्मा ने लोगों से जानकारी ली और वहां से ये पता चला कि वहां के विधायक जो कि हैं, लोगों के पास आते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर आपने मतदान नहीं किया तो फिर आपके ऊपर लाठी चार्ज होगा और तब जाकर आप मतदान करेंगे। वही सोचने वाली बात है, अगर ग्रामीणों को किसी प्रकार से सताया जा रहा है, उनको वोट डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है, विधायक आते हैं लाठी चार्ज की बात करते हैं, तो वहीं पर शासन और प्रशासन की कोई भी कार्रवाई देखने नहीं दिख रही है। वहीं पर शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी गाँव पर अभी तक नहीं पहुँचा है। आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ देवाशीष शर्मा मौजूद है हमारे फोन कार्यक्रम में। देवाशीष शर्मा, बताएं क्या जानकारी है वहां पर इस वक्त की, क्या स्थिति बनी हुई है, जानकारी दें। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें मतदान स्थल पर लगी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जगह जगह से जो सूचना मिल रही थी, ईवीएम मशीन में खराबी होने की सूचना बराबर आ रही थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने सुचारू रूप से मतदान जारी कराया। लेकिन कई जगह ऐसी है फिरोजाबाद में जहाँ मतदान का बहिष्कार हुआ है। इस समय हम नगला किरार में खड़े हुए हैं, जहाँ ग्रामीणों ने विकास न होने के कारण मतदान का बहिष्कार किया है। यहाँ पर जसराना विधानसभा में ये नगला किरार गाँव पड़ता है, जिसके जनप्रतिनिधि भी यहाँ उन्हें समझाने के लिए आए थे, लेकिन जनप्रतिनिधि की भी बात ग्रामीणों ने नहीं मानी है। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि लंबे समय से विकास के लिए ग्रामीण तरस रहे थे, लेकिन आज तक अभी तक इन ग्रामीणों को विकास के नाम पर कोई भी सुविधा नहीं मिली है। यहाँ की सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हैं, तमाम गंदगी यहाँ पड़ी है। स्वच्छ भारत मिशन की बात एक तरफ होती है, लेकिन वहीं यहाँ के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, गंदगी में जीने को मजबूर है, जिसकी वजह से सभी ग्रामीणों ने यहाँ पर मतदान का बहिष्कार किया है। टोटल 598 वोटों की यह पोलिंग है, जहाँ पर सुबह से केवल 60 वोट पड़े हैं और वो 60 वोट भी मतदान कार्मिकों के वोट पड़े हुए हैं। यहाँ ग्रामीणों ने बड़े स्तर पर मतदान का बहिष्कार किया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर विकास नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। देवाशीष, वहाँ पर शासन या प्रशासन से कोई अधिकारी वहाँ पर लोगों को समझाने के लिए पहुँचा है अभी तक? ग्रामीणों को समझाने के लिए जसराना के विधायक रामगोपाल पप्पू लोधी पहुँचे थे, जिस पर ग्रामीणों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि वो समझाने आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर वोट नहीं डालोगे तो लाठियां पड़ेंगी, तब वोट डालोगे, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी नहीं पहुँचा है ग्रामीणों के साथ, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसकी वजह से देवाशीष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो जनता है तो वो किसके कार्यों से नाखुश है? वो हमारे सांसद के कार्यों से नाखुश है, या फिर विधायक के, या फिर सरकार की नीतियों के चलते वो वहाँ पर मतदान को बहिष्कार कर रही है? साफ तौर पर मैं जो ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक विकास के नाम पर केवल खोखले वादे किए गए, खोखले दावे किए गए, लेकिन इस गांव में विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष है, उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। जी, तो वहाँ पर आपके विधायक ने ये बात की है कि अगर लाठी से चार्ज होगा तभी आप वहाँ पर मतदान करेंगे, इस पर जनता की क्या आक्रोश, जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जनता में बहुत आक्रोश है, जनता इस समय उग्र हो चुकी है और साफ तौर पर नारेबाजी करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने अपने घर में बैठे हुए हैं लोग। साफ तौर पर मतदान स्थल पर कोई भी नहीं जा रहा है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरीके से जबरदस्ती और गुंडई करके हमसे अगर वोट डलवाया जाएगा, वोट नहीं डालेंगे। साफ तौर पर हमें विकास चाहिए, अगर विकास होगा तो ही वोट देंगे। जी जी, तो वहाँ पर कोई इसी प्रकार के प्रशासन की कोई मदद मिल रही है ग्रामीणों को? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा है। प्रशासन की तरफ से अभी तक वहां पे कोई नहीं पहुंचा? कोई भी नहीं पहुंचा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में जिला फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव नगला किरार में विकास कार्य न होने की वजह से ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। सभी ने एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारे यहां विकास नहीं होगा तो मतदान नहीं करेंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर जनप्रतिनिधि भी ग्रामीणों को समझाने आए, लेकिन साफ तौर पर समझाने का तरीका ऐसा था कि जनता से साफ तौर पर यह कह दिया गया कि अगर वोट नहीं दोगे तो लाठियां पड़ेंगी। और इस पूरी खबर की
पड़ताल की हमारी टीम ने और बाकी ग्रामीणों से क्या कुछ मांगा था, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। मज्जा पूरा मौजा मज्जा, विधायक भी नहीं आया, न कोई समस्या सुनी। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू। श्याम बाबू, तो आपने अभी अपना वोट डाला है कि नहीं? अभी नहीं डाला था। डालोगे कि नहीं? अब जो समस्या की सॉल्व होगी तो वोट डालेंगे। आपकी जो मुख्य समस्या है शौचालय, सड़क और क्या है? पानी, पानी गली, पानी गली। तो किस नहीं है और गलियों में कोई कीचड़ भरा, तो इसकी इसकी देख रेख के लिए कोई यहाँ पे अभी नहीं आया? कोई नहीं, नहीं थे आज तक। प्रधान जी आते हैं, न कोई विधायक आता है, न कोई ब्लॉक प्रमुख आता है। जीत जाते हैं घर के लिए नेता हो जाते हैं। तो इस आए हैं कि नहीं? पाँच सालों में बिल्कुल नहीं आए, आज तक कोई जगह नहीं था। ये क्या नाम है आपका? पन्ना लाल। पन्ना लाल जी, आज आपके गांव में मतदान का बहिष्कार हुआ है, वो किस किन बातों को लेकर हुआ है? सड़क के नीचे। कौन सा गांव है आपका? नाला मासी। तो इस विषय को लेकर यहाँ पे अभी कोई नेता वगैरह यहाँ पे अभी कोई नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आया मामले में। तो आपने पूरी तरह से मतदान बहिष्कार किया है? हाँ। तो अभी आपने वोट डाला है या नहीं डाला? सर अरविंद कुमार। कौन सी जगह है ये? नगला मानसिंह सर। आज आपने लोगों मतदान का जो बहिष्कार किया, वो किन बातों को लेकर किया? ये सड़क की समस्या है सबसे ज्यादा सर। तो इसके लिए आपने पहले किसी को बोला है सड़क बनवाने के लिए? कई बार बोला है नेता लोगों को, कई कोई यहाँ पे विधायक या सांसद कभी नहीं यहाँ सब घूमने आए, होने के बाद में यहाँ कोई सर वैसे कोई काम नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार कर दिया? हाँ सर। प्रधान हूँ ना, तो मतदान का बहिष्कार क्यों कर दिया? ये खरंजा परंजा कुछ हो नहीं है, लाइट है वो नहीं रही है, लैट्रिन बनी नहीं है गाँव में। ये आपने अभी देखा, आप गद्दे में कैसे लिखे हुए थे, ऐसे उधर है, उधर भी उतना गड्ढा है। हमारे यहाँ बिजली जो 11,000 की है, वो गांधे में 5 आदमी गांधे में आ गए, वो कोई सुनवाई नहीं है, खरंजा नहीं भी है नहीं, और कोई चीज नहीं है हमारे पास। अभी अभी जैसा आप बता रहे थे, ये धमकाने कौन आया था? गुड्डू पलिया, गुड्डू पलिया। हाँ, भाजपा के ज्ञातिलाल जी, क्या समस्या है यहाँ पर? यह समस्या है कि हमारे घर वाले बच्चों का, हम भी जो सब कीच में चल रहे हैं, हमको कोई सुविधा तक नहीं आया, आज तक नहीं मिली। हम 20 साल तंदे, हमारा 50 साल की उम्र हो गई, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारे गांव में पप्पू, आप विधायक जी, आप विधायक जी इतनी गाली दे के गए और धमकी दे के गए, आप आओगे हमारे कुंड में? कौन विधायक? पप्पू लोधी, पप्पू लोधी। क्या नाम है आपका? वीरेश कुमार। क्या समस्या है? हमारी समस्या है ये, हमारे गांव में नहीं कोई सुधार नहीं है, खरंजे की वो नहीं है, नाली में भरी में कीच भरी हुई है। वोट नहीं डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे। धमकी दे के गए हैं वे पप्पू लोधी, पप्पू लोधी विधायक जी। विकास चाहिए ना, कुछ नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। ना कोई सुन लेगा। माजरा जाएगा, हमारा काम बहुत बुरी तरह से पछड़ रहा हुआ है, और ना विधवा पेंशन है, और ना वृद्धा है, और ना कोई काम ही ना है, लेटर है नहीं हमारे गांव में, के अंदर एक भी नहीं है। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए करो अमन जी साहब। तो धमकी कौन देगा? धमकी पप्पू लोधी विधायक दे के करे, अभी लाठी पड़ेगी। क्या कह गए? कह गए कि लाठी पड़ेगी, वोट डालनी पड़ेगी। हाँ, फिरोजाबाद में लोकसभा में बात करें तो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत था, जहां पर टुंडा विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जहां पर टुंडा विधानसभा में 23% मतदान, तो वहीं जसराना विधानसभा में 20.4%, तो वहीं फिरोजाबाद विधानसभा की बात करें तो वहां पर 28% मतदान हुआ, तो वहीं सिकोहाबाद विधानसभा की बात करें तो 23% मतदान हुआ, तो वहीं सिरसागंज विधानसभा की बात करें तो 24% मतदान वहां पे हुआ है। वहीं देखा जाए तो कुल प्रतिशत मतदान का तो 23.68% मतदान हुआ। फिरोजाबाद में लोकसभा के टुंडला विधानसभा में बूथ संख्या 386 पर ईवीएम मशीन की खराब होने की भी जानकारी मिल रही है। वही चुनाव में हर कास्ट का वोट मिल रहा है। आपको बता दें कि शिवपाल का बड़ा बयान है, जहां पर चाचा भतीजे की लड़ाई में तीसरे की जीत कर सवाल पर बोले कि दूसरे प्रत्याशी को कोई जनता जानती तक नहीं होगी और जीत हमारी ही होगी। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया भारी बहुमत से हमारी जीत होने का दावा किया। वहीं चाचा भतीजे की टक्कर में तीसरा कोई नहीं है। वहीं मतदान के केंद्रों में बूथों को लेकर जायजा कर और कहा कि वहीं खराबी को लेकर प्रशासन से शिकायत की जा रही है। चल रहा है, आप घूम रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है और क्या है पूरी? देखिए, हमारे फेवर में पूरा का पूरा चुनाव है और हर वर्ग का वोट हमें मिल रहा है, सवर्ण भी मिल रहा है, पिछड़ा वर्ग के लोग वोट मिल रहा है, दलित भी मिल रहा है, मुसलमान वोट मिल रहा है। अब बचा क्या चुनाव, चुनाव में तो बड़ी जीत होनी है।
लेकिन राजनीति की जो गणितज्ञ हैं वो बताते हैं कि कहीं चाचा भतीजे की लड़ाई में तीसरा कहीं मार न जाए बाजी। अच्छा कोई मतलब ही नहीं तीसरे प्रत्याशी का, कोई जानता भी नहीं, कोई नाम भी नहीं लेता है। जिस तरह से अब क्षेत्र में हम लोगों को भी सूचनाएं मिल रही हैं ईवीएम खराब चल रही हैं या वो है, तो उस तरह से किस तरह से आप नज़र बनाए हुए हो क्या? देखिए ईवीएम जहां पर भी खराब है प्रशासन को तुरंत बताया जा रहा है और तुरंत प्रशासन ईवीएम का इंतजाम करा रहा है और कराएगा, उनकी ड्यूटी बनती है। मैं फिरोजाबाद में सपा के प्रत्याशी सांसद अक्षय यादव का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि गठबंधन की जीत होगी और हमें 50% वोट मिला, रिकॉर्ड मतों से हम अधिक मतों से जीतेंगे। मैं चाचा शिवपाल के नाम पर वोट छोड़ गए, अपनी बात की किसी भी बात को कहने पर उन्होंने मना कर दिया। साथ ही साथ ईवीएम की खराबी को कहा कि मशीनों की खराब होने से वोट कम पड़ रहे हैं। एक तरफा गठबंधन के लिए वोट पड़ रहा है और इस फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से हम लोग बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। सांसद जी, आप किसको अपनी फाइट में मानते हैं? कोई फाइट में नहीं रह गया, जहाँ जहाँ घूम कर आए वहाँ साइकिल, अब 50% सिर्फ साइकिल है। माने कोई प्योर बूथ हैंगे और जहाँ पर बीजेपी का वोट निकलता था वहाँ पर भी सपा का वोट निकल रहा है आज की तारीख में, तो कहीं भी कोई भी फाइट में नहीं रह गया आज की तारीख में। सांसद जी, कहीं ना कहीं लोग चर्चा करते हैं कि चाचा भतीजे की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी ना मर जाए। अरे छोड़ा अपना चाचा के बच्चे ना कल के बच्चे। जिस तरीके से आपने देखा जसराना विधानसभा के नगला गाँव किरार में, नगला किरार में इस समय लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। साफ तौर पर अगर बात करें, एक तरफ यहाँ देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री और सरकारें बात करती हैं विकास की, विकास के नाम पर लोग वोट मांगते हैं, लेकिन नगला किरार की बात करें तो यहाँ के लोग आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं और विकास ना होने के कारण आज पूरे गांव ने बहिष्कार किया है मतदान का, जिसको लेकर यहाँ के जो जसराना के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं पप्पू लोधी, वो ग्रामीणों को समझाने के लिए गए, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक विकास फिरोजाबाद के इस गांव में जब तक विकास नहीं होता तब तक यह वोट नहीं करने वाले हैं, मतदान नहीं करने वाले हैं। साफ तौर पर नगला किरार के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी वन इंडिया पर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से मतदान का बहिष्कार, नगला मानसिंह में भी मतदान का बहिष्कार हुआ है, इस तरीके से फिरोजाबाद की कईयों ग्राम सभाओं में मतदान का बहिष्कार हुआ है केवल और केवल विकास न होने के कारण। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मतदान का बहिष्कार, फिरोजाबाद जनपद में कई ग्राम सभाओं में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है, विकास के नाम पर वोट मांगने वाले लोग आज कहाँ हैं, जबकि विकास न होने के कारण आज ग्रामीण मतदान का बहिष्कार करने के लिए विवश हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद।